अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। होप आप सब ठीक ठाक हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और पंजाब में फाइनली बारिशें स्टार्ट हो गई हैं, सो होपफुली आप लोग बारिशें भी इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि इंतहाई किस्म की गर्मी पड़ी थी। पर ऑनेस्टली जितनी गर्मी सिंध में पड़ी है ना, उसका तो वाकई ही कोई रिकॉर्ड नहीं है। लास्ट में 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था वहाँ, और उसके बाद बारिशें शुरू हुई हैं, फिर वहाँ पे सैलाबी बारिश आना शुरू हो गई है। सेवरेज का इतना गंदा सिस्टम था, यहाँ पंजाब में भी यही सिचुएशन है। बाहर पानी रुका पड़ा है, लेकिन एटलीस्ट मौसम एक दफ़ा खुशगवार हो चुका है। आंधी तूफान और बारिशें, काम ज़रूर डबल हो गए हैं, लेकिन एटलीस्ट वेदर बेहतर हो चुका है। सो आप लोग पकौड़े शकोड़े बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे उसके बारे में कमेंट करके बताएं। मैंने अपना दिन कैसा गुजारा है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ पर अभी मैं सुबह उठी थी तो बारिश रुक रुक कर अभी भी हो रही थी। मुझे लगा था रात में बारिश होकर रुक चुकी है, लेकिन सुबह भी बहुत बारिश थी और कीचड़ वगैरह भी बहुत हो रहा था। और कुछ विंडोज़ खुली रह गई थी, वहाँ से बारिश सीढ़ियों में आ रही थी, रूम में आ रही थी, तो वो बंद करके ना अब मैं आ गई थी किचन में। और ये लास्ट नाइट मैंने नूडल्स मंगवा के रखी हुई थी ग्रोसरी के साथ, और ये रात को तो मेरा पेट भरा था, खाना खा लिया था, तो तब मैंने बनाई नहीं। अब मैं ब्रेकफास्ट इसका करने लगी हूँ। इंडोमी की नूडल ना आजकल बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरी, क्योंकि मुझे याद आता है बहरीन में भी ऐसे ही नूडल्स हम लोग खाते रहे हैं। अब मुझे उनका नाम तो याद नहीं उनका क्या था, लेकिन सेम टेस्ट यही वाला था, तो मुझे इस वजह से ना ये नूडल्स मेरी फेवरेट है, और इसमें भी चिकन फ्लेवर ही मेरा फेवरेट है। तो अभी मैं यहाँ पर करूँगी डिशेज़, क्योंकि लेट नाइट सबको भूख लग जाती है थोड़ी थोड़ी ना, तो कोई खा लेता है खाना दोबारा, कोई नहीं खा लेता, और भाई जाग रहे होते, मम्मा जाग रही होती है, तो लेट नाइट उन्होंने भी ज़रा चरखारे लिए थे, चस्के किए थे, और वो बर्तन अब पड़े हुए थे, तो उठते साथ ही ना कोई ना कोई बर्तन ज़रूर मुझे सलूट कर रहा होता है किचन में आते साथ ही। सो हमें से जो भी पहले उठ कर आते ना वो फिर डिशेस कर लेते हैं। मोस्टली पहले मैं ही आजकल उठ कर आ रही हूँ तो मैं कर लेती हूँ, अदरवाइज सिस्टर उठ जाए, भाभी उठ जाए, जो भी उठ जाए वो कर लेती हैं। तो एक साइड पर मैं पानी बॉयल होने के लिए रख दूँगी अब, और एक साइड पर अब मैं ये बर्तन रेडी कर लूँगी, क्योंकि गंदे किचन में ना मुझसे बिल्कुल काम नहीं होता है। मैं सबसे पहले सारी शेल्फ साफ़ करती हूँ, चूल्हा साफ़ करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, किचन वॉश करती हूँ अच्छे से, और उसके बाद उसको ड्राई करके फिर मैंने काम करना होता है, चाहे मैं थोड़ी सी लेट हो जाऊँ। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा होता है ना कि हमें से किसी ना किसी का कोई ना कोई एक पॉइंट होता है, ये चीज़ें ना मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। बीच में मेरी रूटीन एक अरसे तक इतनी ज़्यादा ख़राब रही है कि मैं सारी रात जागती थी और सुबह के टाइम सोती थी, फिर दोपहर में उठती थी, तो वो ऐसे ना ज़िंदगी की समझ ही नहीं आ रही थी कब सोने कब जागने, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं रह गई थी, दिमाग ठीक से काम करना बंद हो गया था। और आपकी रूटीन नेचर के अगेंस्ट जा रही हो ना, नेचर के उसूलों के अगेंस्ट, तो फिर आप चिड़चिड़े भी हो जाते हो, और ये भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। फिर एक दिन मुझे भाई से डांट पड़ गई, और उसके बाद से अब मेरी रूटीन बड़ी अच्छी जा रही है। वो चाहे घर पे हो या ना हो, चाहे वो खुद भी सोया हो, लेकिन मुझे पता होता है कि मैंने 9-10 के अराउंड मैंने उठ जाना है। वैसे आजकल अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली मैं 7 o'clock तक उठी होती हूँ, फजर के फौरन बाद उठ जाती हूँ, तो उसकी वजह से ना जितना अर्ली उठ रही हूँ ना उतनी ज़्यादा मैं फ्रेश फील कर रही हूँ, और उतना ज़्यादा मुझे होता है कि मैं काम वाइंड अप कर लूँ, क्योंकि गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा पड़ी है। फिर अगर मैं कोई काम छोड़ दूँ ना, तो फिर वो छोटियों को करना पड़ता है, वो फिर मुझे फील होता है, क्योंकि मैं बड़ी बहन हूँ, तो बड़ी बहनों के अंदर ये चीज़ बहुत होती है ना कि ज़्यादा प्रेशर वो खुद हैंडल कर लें, जिस तरह माओं को होता है कि अपने बच्चों का प्रेशर खुद हैंडल कर लें, तो हम माँ बेटियाँ मोस्टली कर लेती होती हैं। और मेरी कोशिश होती है कि कम से कम काम ही मैं लेफ्ट रखूँ उनके लिए, अगर मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाऊँ तो फिर मैं उनकी हेल्प ज़रूर ले लेती होती हूँ। अब बस भी मैंने फ्री होकर यहाँ पे पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था, क्योंकि ये वाली नूडल्स ना बहुत ज़्यादा ड्राई होती हैं, सभी नूडल्स ड्राई होती हैं वैसे तो, लेकिन ना ऑयल की वजह से ना बहुत ज़्यादा ये स्टिकी नहीं होती हैं ड्राई होकर, क्योंकि मैं इनका पानी ड्रेन कर देती होती हूँ। और पैकेट मैंने हमेशा की तरह ही गलत खोले, और अब मुझे सही से डाली नहीं जा रही है एक हाथ से। अब मैं साथ में यहाँ पे चाय रख लूँगी, और इतना डिजास्टर्स कॉम्बो आपने नहीं करना, मुझे आदत हुई है इसलिए मेरा मेधा सख्ती बर्दाश्त कर लेता है, लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, लोहा हजम, सारा कुछ, लेकिन नूडल्स के साथ कभी भी चाय नहीं लेनी चाहिए। मैं इधर अपने लिए और अपने भाई के लिए बना रही हूँ चाय, क्योंकि वो भी उठा हुआ था अर्ली। ये पड़ा हुआ था कल का केक, ये किसी ने नहीं खाया पड़ा था, तो मैंने कहा कि इसके बाद ये खाने लायक रहेगा नहीं, साथ में मैंने रस रख लिया, ये भाई के लिए रख लिया, और अपने लिए अपने फैंसी अच्छे वाला नाश्ता रखूँगी। लेट मी शो यू मम्मा कल क्या लेकर आई हैं। ये मैं कल ग्रोसरी शॉपिंग करने गई थी, और साथ में क्रॉकरी लेके आई है। जितनी बार जाती है ना उतनी दफ़ा कोई ना कोई चीज़ ये लाजमी लेकर आती है, हम सबको पता होता है। इस बार या तो किचन की बास्केट्स आएंगी, या नैपकिन आएंगे, या फिर कोई क्रॉकरी आएगी, या ऑयल के लिए कोई और जार आएगा, तो ये भी लेकर आई हैं। कि नॉर्मली इनको ना कुछ रेसिपी जब बना रही ना, कोई इंग्रीडियंट डालना मिस हो जाता है, या फिर वैसे ही ना डाल के रखा पा तो अच्छा लगता है, तो ये उसके लिए लेकर आई हैं। और ये फोर इसको ऐसे ही शराफत से वापस रख देते हैं, क्योंकि ये टूट गया ना, बड़ी वाली
सोनी वाली बिस्सी हो जानी है, सारी फैमिली इकट्ठी। मैं नहीं चाहती कि फैमिली के आगे मेरे को सर्कस लगे। लास्ट टाइम ना मम्मी 3 बाउल्स इकट्ठे लेकर आई थी और एक घर आते साथ ही टूट गया था, तो वो पी गई थी। तो जब माए कोई गुस्सा पी जाए ना तो वो ख़त्म नहीं हुआ होता, वो कहीं ना कहीं दोबारा निकलता होता है और मोस्टली वो एल्डर से निकल जाता है। सब वो छोटे बाउल्स मैंने धोकर रख दिए थे, वो ड्राई होंगे तो मम्मी अपने हिसाब से उनको रख लेंगी जहाँ भी रखना होगा। और यहाँ पे नूडल्स मेरी डन हो गई हैं, ये 2 मिनट्स नूडल्स नहीं है, ये बिल्कुल भी 2 मिनट्स में रेडी नहीं होती हैं। साथ में मैंने चाय बने रख दी, तो 5 मिनट्स में तकरीबन मैंने सारा रेडी कर लिया था। अब मैं इसका कर दूँगी वाटर ड्रेन, क्योंकि मुझे ड्राई नूडल्स पसंद है, जिसकी वजह से मैंने इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा सॉसेज वगैरह कुछ भी नहीं डाला हुआ। और मुझे इसी तरह की पसंद है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। भाई बहुत ज़्यादा इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा स्पाइसेस और बहुत सॉसेज ऐड करता है, विनेगर भी ऐड करता है, लेकिन मुझे इसका अपना फ्लेवर ही पसंद है क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत स्पाइसी है। ये देखें, पहले इसके अंदर एक स्पाइस डाली है मैंने और अब मैं इसके ऊपर दूसरी डाल रही हूँ, और पूरे जोबन पर नूडल्स तैयार हुई पड़ी हैं। और अब चाय भी मेरी ऑलमोस्ट रेडी है, और इतनी अब तक तो ना सेटिंग से बुरी हालत हो गई थी, और अभी तक चाय रेडी करके मैं ऊपर लेकर जाऊँगी। अभी तक एसी ऑन था रूम में, तो 2 घंटे अभी मैं चिल करूँगी एसी में बैठ के, और उतने में फिर सब लोग उठ जाएंगे ना, तो फिर उठ के फिर मैं बाकी के सारे काम करूँगी। मोई मोई हो गई अंदर आते ही, कितने प्यार से नाश्ता बना के लाई थी भाई के लिए भी, और वो कहता है मैं नाश्ता कर चुका हूँ सुबह 6 बजे का। मैं बस ठीक हो गया, मैं तो खाऊं एटलीस्ट। और मौसम देख लें आप लोग, मौसम बड़ा माशाल्लाह ज़बरदस्त है। अभी तक हवा ठंडी चल रही है, थोड़ी सी बारिश होकर वैसे रुक गई, घुटन हो रही है उसकी वजह से, लेकिन एटलीस्ट हवा अच्छी चल रही है। तो विंडोज़ वगैरह ना हमने खोल दी यहाँ से ताकि थोड़ा हौसला हो। अच्छा जी, अब जो इतनी ज़्यादा आंधी आई थी ना उसकी वजह से जितना भी मैस हुआ था ना, सारी वो सफाई करें, डस्टिंग करें, और बहुत डिटेल में आज मैंने सफाई की थी। अभी मैंने ऊपर से आपको दिखाया नहीं हशर क्या हुआ था ऊपर वाली स्टोरी का, और फिर गेट खुला रह गया था हमारा, विंडो ऊपर की खुली रह गई थी, वो सारी बंद की हैं। ऊपर से वॉश करके साफ़ करके ट्राई किया, और अब मैं नीचे से स्टेयर्स कर रही हूँ, फिर नीचे वाला फ्लोर करूँगी जाके। इतना कुछ खाया नहीं है जितनी कोई एनर्जी लग गई है, लेकिन यहाँ से ना मुझे काम करते हुए बड़े गंदे तरीके का करंट भी लगा था। मैं ऊपर वाले स्टेयर पे जब मॉपिंग कर रही थी ना, तो मुझे पता नहीं चला है वहाँ पे ना एक केबल गुजर रही थी इंटरनेट की, वो कहीं से थोड़ी सी क्रैक थी, मुझे नहीं पता था, और वो इस रोड के साथ लग गई। और जब मैंने वहाँ से तपड़ी लगाई ना, तपड़ी मुझसे हैंडल नहीं हो रही थी, तो मैंने उतार के हाथ में पकड़ ली और हाथ से मैंने सीढ़ी पर तपड़ी लगाई, और उसी से ना मुझे करंट लग गया और मेरे पूरे पास में अच्छा खासा करंट गया है। अभी को तो मैं सह गई हूँ, जब सारे उठेंगे फिर मैं सबको बताऊँगी कि मेरे साथ क्या हुआ इनके सोते में। अच्छा, आपके घर में ऐसा कौन सा काम है जो करते हुए आपकी बड़ी जान जाती है और फिर भी आपको करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है वो आपकी ड्यूटी है। मैं वैसे सारे ही कर लेती, पहले हर काम से मेरी जान जाती थी, पर अब तो मैं सारा कुछ ही करने लगी हूँ। जो आपको नहीं पसंद है वो मुझे आप कमेंट में बताएं। मैंने तो सारी स्वीपिंग कर ली थी और उसके बाद मैं आकर सो गई थी, क्योंकि बहुत एग्जॉस्टन हो गई थी। शावर लेके मैंने रेस्ट कर लिया था, और अब शाम हुई थी तो बहुत ज़्यादा घुटन हो रही थी ना, दोबारा फिर से बारिश हुई नहीं, और मेरा हस्बैंड रूटीन बीपी बड़ा लो चला गया था, तो मैं फिर उसके बाद सो गई थी। और अब शाम को हम लोगों को सबको अम्मी ने रूम में बिठाया था, और खाना उन्होंने बनाया था, और उन्होंने बनाया था योगर्ट पेपर चिकन, जो कि बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, जो मैं डिटेल में अपने नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ, और मैं आपसे मिलती हूँ फ्राइडे को न्यू व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।